मंदिर में माता का श्रृंगार व महाआरती के साथ पूजा कर भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए। नवरात्र में पूरी तरह से आस्था के साथ पूजा करने से भक्तों पर माता की कृपा होती है। उन्होंने बताया कि नवरात्र के पहले दिन घरों में माता की स्थापना की जाती है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सहित भक्तगण मंदिर पहुंचे। शहर में कालीबाड़ी स्थित काली देवी मंदिर, साहूकारा स्थित नव दुर्गा मंदिर, बदायूं रोड 84 घंटा मंदिर, नेकपुर स्थित ललिता देवी मंदिर, डेंटल कॉलेज रोड स्थित माँ वैष्णो धाम, मनोकामना मंदिर सहित सभी प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ की विशेष महत्व यही है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति मांगता है उसकी मुराद हमेशा पूरी होती है। और हम तो यहाँ पे पिछले 30 सालों से मेरी मम्मी अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर आती रही हूँ और हमेशा यहाँ की ऐसी विशेषता देखी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ मंदिर में श्रद्धा से जो भी भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और सच्चे हृदय से यहाँ आइए, माँ के दर्शन करिए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमने यहाँ बरेली में जब से आए हैं बहुत नाम सुना है नव दुर्गा मंदिर का। तकबरी 70 साल पुराना है। सिद्ध बाबा काशीनाथ जी की तपस्थली है जिन्होंने एक पैर पे खड़ा रह के इस मंदिर की नींव रखी थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।